नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में लगातार बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां मामूली सी बात को लेकर एक बदमाश ने की युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद घायल युवक ने थाने पहुंचकर बदमाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के भोलानाथ कॉलोनी का है, जहां आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रोहित कसेरा के द्वारा पीड़ित के साथ पुरानी रंजिश को लेकर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं फरियादी के परिवार के लोगों ने थाने पहुंचकर रोहित कसेरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। वहीं रोहित कसेरा अन्य मामलों में भी फरार चल रहा है। वहीं कसेरा का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करेगी। दरअसल यह घटनाक्रम थाना एरोड्रम के भोलेनाथ कॉलोनी क्षेत्र का है, जहाँ के एक आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति रोहित कसेरा के द्वारा पीड़ित के साथ पुराने बुराई को लेकर के उसके साथ चाकू से हमला कर उसे एबिडोमिनल एरिया में माइनर चोटें पहुंचाई गई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर उक्त आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उक्त आरोपी एक अन्य मामले में भी अभी वांछित है, उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उस आरोपी की तलाश की जा रही है, आरोपी के मिलने पर उस पर प्रभावी प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जाएगी और इस प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।